जो सुबह आए थे कैट लेके, तो उन्होंने पहले तो ये स्टोरी बता दी मेरे को कि भाई कोई मेरे घर के बाहर छोड़ के चला गया, जिसके तुमने सुबह फोन किया था मुझे कि भाग सुई से आया था। इनके घर के बाहर किसी ने ना कैट ऐसे बास्केट में रख के, और ये सामान उसके ऊपर था, रस्सी बंधी हुई थी, एंड छोड़ दिया। बेसिकली अबैंडन ही किया होगा, बड़ी कैट है और हमारा तो क्लिनिक है, तो हम शेल्टर का काम तो नहीं कर सकते। और फिर हमारे पास अभी 3 कैट ऑलरेडी हैं सिटी नाउ। भैया बताओगे क्या हुआ? रूम के बाहर थी, सो आई एम सॉरी। अब उनको इतना परेशान देख के ज्योति का दिल पसीज गया कि भाई अगर फार्म पे नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, मैं इसको खुद फॉस्टर कर लूंगी। हम ले लेते हैं ना, एक बार अंदर फॉर्म भर दीजिए, ट्राई कि आप भी इसके अडॉप्शन के लिए कोशिश करें ना। हमारी जो पोस्ट हो या इसकी पिक्चर हम आपको भेजेंगे, शेयर करो, है ना, क्योंकि वहाँ पर तो ऊपर काफ़ी लोग हैं जो कैट्स और डॉग्स रखते हैं, टूरिस्ट आते हैं बहुत। ट्राई करना, घर जाएगी किसके? टॉय भी है इसमें, कितनी अपसेट होगी यार ये। खाना भी ले गए, क्या कर सकते हैं, इतने सारे कैंस हैं, किसी ने बड़ा सोच समझ के अबैंडन किया है इसको। फाइनली ये हुआ कि हम रख लेते हैं, और मैंने उनको बोला आप अंदर आ जाओ, फॉर्म भरवा दो, अभी चले जाए। मैं आपको नाल आगे आगे जा रहे थे, वो चले गए। नंबर मैंने बोला था ना क्लियरली, बोला था आपने, पूछा नहीं फॉर्म क्यों भर रहे हैं, फोन है। मैं क्या फिर आपको फोन लगा के थोड़ी नहीं ये बोलता, किसी फोन कर लोगे फोन जरा। हां ना सर। हेलो, हां अक्षय जी बोल रहे हैं? अक्षय जी से बात करनी थी। आपने ड्रामा लगा है? नहीं, अभी आप पीपल फार्म में कैट देके गए ना? आपको गांव नंबर डाल के मैं बोल रही हूं। अक्षय जी से बात करनी है, जो बक्सूस है, अभी एक बिल्ली दे के गए हैं पीपल फार्म के अंदर। ठीक है सर, टैक्सी के फोन से हमने फोन करा और यहाँ पर आके अपना गलत नंबर दिया। मतलब इतनी प्लानिंग से आया, मतलब उसने टैक्सी वाले को भी नंबर नहीं दिया अपना, कि उससे मेरा नंबर ना ले लो। भाई मैं देखो समझ सकता हूँ, थोड़ी शर्म तो आएगी भाई, आप जैसे अपना बच्चा है, आपने अब नहीं उसकी जिम्मेदारी चाहते, आपने अडॉप्शन के लिए देना है, शर्म तो आएगी। हां इसलिए मेरे को थोड़े दुखी भी लग रहे थे वो, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ। आई थिंक मैंने देखा तो आपको मैं है ना? थोड़े आंसू तो थे, बट मैं कहीं भी उनका साइड नहीं ले रही हूं, क्योंकि देखो अगर वो थोड़ा सा उसके बिहेवियर के बारे में बता देते, अगर बेवकूफ ही बनाना था तो थोड़ा सा कैट की भी मदद कर देते ना, कि मैं इतने दिन से रख रहा हूं, है ना, इसकी इसको ये पसंद है, अगर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती तो हमें उसको हेल्प करने में थोड़ा आसानी होता, कैट को हेल्प करने में। तुम्हारे पास और भी छोटी छोटी बिल्लियां और भी है ना डॉग्स? हाँ, कावेरी है, सारा है। तारकोल वाले दो बच्चे आए थे जिसमें से एक बच्चे की डेथ हो गई, हाँ। है ना, गोदावरी, कावेरी रह गया हमारे पास मेल जो है मेल। उसके बाद फिर दो बच्चे आए थोड़े दिन बाद बटेज से, जिसमें कैट बाइट की वजह से उसका फ्रंट लेग डैमेज था बहुत बुरा, पेन की वजह से, छोटा बच्चा था, उस वजह से डेथ हो गई। तो उसकी जो एक सिबलिंग थी वो मेरे पास रह गई, सारा जो मेरे घर में फॉस्टर हो रही है, हेल्दी है, कम्प्लीटली एक्टिव। ओके, हमारे उसकी तो रिलीज काफी चिंगारी, शैतान चिंगारी, चिंगारी ने क्या कहना, एक पैर मारेगी जरा सा तुम्हें सर, जरा सा सर, एक पैर काफी है मेरी यार, पता नहीं, मेरे साथ तो चिंगारी ठीक है। देखो साफ सी बात है, कोई बंदा जितना मर्जी खराब हो, मेरे साथ ठीक है तो ठीक है। मैं तो अपने फेवरेट पॉलिटिशियन की बात कर रहा था, नाम नहीं बता रहा भाई मैं, फिर पार्टी वाली बात शुरू हो जाएगी, मैं नहीं बता रहा कुछ था, तो फंसाओ मत मुझे। ज्योति, रबर तो काफी अच्छा हील हो गया, काफी अच्छा हील हो गया, बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी थी उसके, सही हो गया। जो दांत दिखा दे, देखो दांत ही है इसके, बूढ़ा बच्चा है क्या हमारा, दांत नहीं है इसके, देखो दो ही है बस, बड़े वाले ऊपर वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, चोट देखिए कौन सी, ये यहाँ पर थी ना इसका बाल भी आ गया ना, सीधा बच्चा है ये, सीधा बच्चा है, अपना कैनल गंदा नहीं करता ये बिल्कुल। सुबह भौंक के बता देता है मुझे, सुसु पॉटी आई है, प्लीज मेरे को बाहर लेके चलो, लीश के साथ अच्छे से चलता है ये। हेलो भाई, चलो और भैया कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू यार, पहुंच गया आपका कुत्ता आपके पास वापस। देखो पहचान कर रहा है वो, अरे लोग बोल रहे थे कि बचेगा नहीं, खाना सब खिलाते थे भाई,
पर जब मतलब उसकी हालत खराब हुई ना, तब सारे बोलते कि मरने दो मरने दो, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा था कोई। अच्छा। कि हम मतलब नहीं करवा सकते हैं। वेटनरी वाले डॉक्टर को बोला, उसने खुद मना कर दिया। क्या कहा? कि नहीं बचेगा। मतलब छोटी सी जो चोट थी इसकी, मतलब हाथ नहीं डालना चाहते ना, वही है ना कि माँ बाप को सड़कों पे छोड़ सकते, तो कुत्ता तो फिर दूर की बात होगी ना, तो तभी करके मतलब नहीं करना चाह रहा था कोई भी। नाम क्या रख रखा आप लोगों ने इसका? कालू। कालू, हाँ। हमने वहाँ पे इसका नाम रबर रखा था। अभी बाकी उनकी हीलिंग भी बड़ी अच्छी चल रही है। राम हॉच पॉच रेडियो कहाँ है? तीनों उधर सो रहे हैं। हाँ, अभी तो सब अंदर है, गर्मी बड़ी है ना। राजा भी बहुत परेशान कर रहा है। कोई ना इनका, कोई ना, आज तो दिन है इनका। आज ये अपना सर्वाइवल एक्स्ट्रा सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों भाई क्यों? मैंने तुम लोग के लिए वीडियो बनाया कल, सारे धर्मों से गाली खा रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि सब लोग तुम्हें बराबर से खाते हैं। छोटे बछड़े का नाम बताओ। हाँ, श्रीलू। श्रीलू ये छोटा बछड़ा है, फीमेल, जो द्रमन से आई थी छोटी सी। हुआ क्या सर इस बैल को? गाय है। अच्छा, ये इसको गाड़ी चढ़ गई है ऊपर। गाड़ी चढ़ गई? हाँ। तो पालतू आपकी? नहीं पालतू नहीं भाई, आवारा ही है। आवारा इसको लेके आए हैं वैसे ही, उधर पहले वहाँ पे ले गए, उन्होंने बोला इसकी स्पाइन में दिक्कत है। अच्छा, छापुर है, यहाँ पे लाए। कब आज हुआ ये? अभी बस 2 घंटे हुए हैं। ये पिछला साइड इसके ऊपर से चल के गई है, चढ़ के गई है, मतलब गुजरी गई है, भाग गया वो। हाँ जी। तो आप लोग रख सकते हैं इसको? रख तो सकते हैं, बिजनेसमैन है, हमारे पास खुद टाइम नहीं है वैसे। देखिए बहुत छोटा सा बछड़ा है, ठीक है। अब क्या होता है, ये हॉस्पिटल है ना, क्लिनिक है, यहाँ पे हम इलाज करते हैं और छोड़ते हैं। हमारे यहाँ मतलब गौशाला जैसा नहीं है, तो क्या होता है जब इतने छोटे बछड़े होते हैं ना, तो ऐसे माहौल में रह के इन्फेक्शन का भी डर रहता है। घर जैसा माहौल नहीं होता है ना, कितना भी कर लो, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही होगा। इसको घर का माहौल चाहिए ही नहीं, ये पैदा ही बाहर हुआ है। हम ये जा रहे हैं कि जैसे हम तो वो नहीं कर पाएंगे इसके, क्योंकि हमारे खुद का इतना सा घर। मैं सिर्फ आपको रिस्क बता रही हूँ, ताकि आगे जाके अगर कुछ इन्फेक्शन होता है या कोई और बात होती है, तो आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऐसे कैसे होगा। बछड़े को तो फीमर ट्रैक करता है ना। ठीक है, आप आ जाइए अंदर, बछड़े को रखवा दीजिए, फॉर्म साइन कर दीजिए, उसके बाद जाइएगा। स्पाइन में थोड़ा सा फ्रैक्चर है, हिप जॉइंट होता है वो उतरा हुआ है थोड़ा सा। खड़ा हो रहा है ना? पर खड़ा हो रहा है, हाँ। चलने में शायद थोड़ी दिक्कत हो इसको भी कुछ दिन, पर पेन की वजह से आज ही फ्रैक्चर हुआ है, आज ही हुआ एक्सीडेंट इसका, तो सारी चोटें आज की ताज़ी ही हैं। तो ताज़ी चोटें तो जल्दी रिकवर होती है ना सर, मतलब अगर टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो। तो जो हिप जॉइंट इसका डिसलोकेट हुआ है, उसको हम लोकेट खुद कर देंगे या कैसे? डिसलोकेट नहीं बोल सकते, पूरा थोड़ा लग्जेट हुआ, थोड़ा सा बाहर आया है, तो वो धीरे धीरे ही अपने पोजीशन पर सेट हो जाता है, जैसे जैसे एनिमल वेट बियर करेगा तो चलेगा। अच्छा। वो चूल्हा चढ़ा नहीं सकते। तो कोई सीरियस वाली बात तो नहीं है? नहीं, अभी तो ये यंग है काफ़ी, तो रिकवर हो जाएगा आराम से। कोई ये जैसे इसकी माँ नहीं है हमारे पास, तो कोई दिक्कत? थोड़ा तो वो होगा ही कि इम्यूनिटी लो होगी तो इन्फेक्शन वगैरह ले लेगा, या फिर देखेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से ख्याल रखें और इसको हम बचा लें। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, ऐसे ही पैदा होते हैं कुणाल, जब तुम पैदा हुए तो तुम शायद इतने से रहे होगे। अब ये खुद से उठ रहा है ना? उठ रही है। तो ये इतना इसको चलाना ठीक है? मुझे तो लगा था अगर हिप में कुछ भी डिस्प्ले वो है तो, जैसे हम डॉग्स को वो रखते हैं। पूरा दिन बैठे रहते, पूरा दिन ना, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलना जरूरी है। थोड़ा बहुत तो पक्का, ये डॉक्टर्स ने कहा है ना, जरूरी है थोड़ा बहुत चलना, लेकिन पूरे दिन रेस्ट पे रखते हैं हम इसको, पूरे दिन सेफ भी रखते हैं कैनल में। इनका यही है, फिर छोड़ते हुए बहुत वो होता है। अब इसको छोड़ेंगे तो इसको तो आइडिया ही नहीं होगा। जर्मन वाले पैक किए ये, वहाँ पे झुंड ना, वो वहाँ पर इसकी मदर भी है ना, वहाँ का झुंड पक्का है और वो मिलते ही है हमेशा। मैं आपको बताता हूँ क्या, ज्योति ना जब रिलीज में हिसाबी किताबी है तो यार ये वहाँ सेटल हो जाएगी, टिक जाएगी, बढ़िया है, हो जाएगा। मैं लाने में हिसाबी किताबी हूँ कि भाई 12 जगह है हमारे पास, तो मैं वो गाय लाऊंगा ना जिसका रिकवरी का चांस है, जो मुझे पता है कि सड़क पे मतलब इसने ख़त्म ही हो जाना है, बैठी है, लेटी गाय है, उसको मैं क्यों करूंगा लाके? फिर लोग कहेंगे कोल्ड है बंदा, या मुझे पता है उसका फ्रैक्चर ऊपर से, उसने मरना ही है, स्पाइन टूटा, उसने मरना है, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं क्यों लाऊंगा? तो लोग कहते हैं भाई आप तो डेयरी वालों की तरह हिसाब किताब लगाते, वो भी लगाते हैं ना कि भाई बछड़ा जितने दिन जिंदा रखेंगे उतने का दूध पी जाएगा, मुनाफा खाएगा, पर देखो वो लोग हिसाब लगाते हैं अपने मुनाफे के लिए और हम हिसाब लगाते हैं बचाने के लिए। हे उसका
उससे मिलवा दो बर्फी से। हम इसको छोड़ के आते हैं पहले। तुम चले ही जाओ ना इनके पीछे, देख लो पता लग जाएगा सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। पूरा घूम के लिया करो, कहीं किसी को लगे पीपल फार्म सेट है फिल्मों जैसा। तू क्या देख रहा है राजा, गजब बेइज्जती है। इसकी रिकवरी कैसी चल रही है? रिकवरी अच्छी हो रही है लेकिन बहुत समय लगेगा, बहुत डीप कट है। क्या हो गया? थोड़ा एम्फाइसीमा बढ़ा है इसका। क्या एम्फाइसीमा? ये हिंदी में बताओ ना। हवा आ गई है चमड़ी के नीचे, वो बढ़ गई है थोड़ी सी। कहाँ पर है हवा? इस पूरे पोर्शन में है, इसमें यहाँ से लेके ये पूरा हवाई हवा है। हवाई और लेग में, इस लेग में है यहाँ से ऊपर तक, क्योंकि यहाँ पे एक ना होल है, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे अंदर एक होल, उसके थ्रू जा रही है। जैसे चल रहा है तो चलने के कारण मतलब हवा ज़्यादा भर रही है इसमें। अच्छा, जैसे ऐसे 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 होता है तो उस चीज़ से हवा भर रही है। तो वो कोई डेंजरस नहीं है सर? ये तो अपने आप कम भी हो जाएगी ऐसे। अच्छा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं होल हील हो गया, ट्रैप हो गई हवा अंदर? नहीं नहीं सर, टाइम लगेगा उस होल को हील होने में, काफ़ी टाइम लगेगा। ये चीज़ जुड़ने के लिए टाइम लगेगा ना, वो होल भी तभी बंद होगा जब ये चीज़ थोड़ा जाएगी। ठीक है यार, एक उसकी रिकवरी बड़ी अच्छी हुई ना, टुक 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 नहीं पिट पिट चल रही है, अभी तो हुई नहीं है पूरी। ये तो लंबी चलेगी ना? हाँ, महीना ले लेगा ये शायद। खोर आएगा इसको कभी? आपको खोर आ रहा है वापस है? पहले कुछ भी नहीं था ये, जो भी हिस्सा दिख रहा है आपको, ये अभी हील हो रहा है, बड़ा अच्छा हील है, हीलिंग चली है इसकी। ये इसको सुखाने के लिए जगह? हाँ, डिस्चार्ज बन रहा है ना इसको, ट्रीटमेंट भी ड्रेसिंग हो रही है इसकी डेली, एनएस हो रहा है, हाइपोटोनिक, गो से बैंडिंग बैंडेज हो रही है इसकी। अभी तो अपने शूज़ वगैरह भी पहनाया है बारिशों के चक्कर में तो, लेकिन नमी का डर रहता है ना थोड़ा, ह्यूमिडिटी बड़ी ज़्यादा है। लोग सुनते हैं ना हिमाचल में, उन्हें लगता है अरे क्या फाइव स्टार जगह चुनी है, लेकिन इस फाइव स्टार में भी हम ऐसी वाली जगह पे हैं जहाँ गर्मी में बेहद गर्मी, नमी बेहद नमी, बारिश बेहद बारिश और ठंड में मत पूछो। पर फिर भी हिमाचल ना इंडिया का वो है, USA है ना। मेरे को तो लगता है भाई, तुम्हें लगता हो ना लगता हो, मैं किसी और जगह नहीं होना चाहूंगा। मैं सिस्टम चेंज कर करके परेशान जाती हूँ। अभी थोड़ा दिन चलो समर है तो ये ध्यान रखना है, फिर उसके बाद आ जाएगी रेन, ये ध्यान रखना। देखो, साफ हवा, साफ पानी, लोग हनुमान जी जैसे हैं कि भाई उन्हें ना छेड़ो तो वो कुछ नहीं कहते सर प्लीज। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है बाकी सारी जगहों से बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। इतना फैसिलिटी तो कुछ नहीं है यहाँ पे सर। चलो हम बाहर वाले हैं ज्योति। ओके, राजा मुझे ले जा रहा है कहीं पे, राजा चाहता नहीं कि मैं जो बोलना चाहता हूँ मैं वो बोलूँ, पर मैं बोल देता हूँ। मेरा गोबर में पैर आ गया यार, क्या कर रहा है। अच्छा, हमने उसको मेरी जान का खतरा है, हमने कल बनाया बकर ईद पे वीडियो, और ये मेरा आखिरी वीडियो है जिसमें मैंने भाई एक्सप्लेन किया है कि मैं क्यों बकर ईद के बारे में आगे से बात नहीं करूंगा। बकर ईद क्या यार, मैं किसी भी धर्म के बारे में ना बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि लोग जो है मुद्दे से भटक जाते हैं, अननेसेसरीली सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ अधर्म की बात करूंगा, जहां पे भाई मुझे दिख रहा है कि विदाउट आर्ग्यूमेंट जो हो रहा है वो गलत है। भाई आपने मंदिर में तो घंटी बजाई, बाहर आए आप कुत्ते को पत्थर मार रहे हो, बाहर आए आप लड़की छेड़ रहे हो, बकरा खा रहे हो, मुर्गी खा रहे हो, तो ये धर्म अनुसार गलत है। तो ये जैसा अधर्म होगा उसके बारे में बात करूंगा। वैसे कुछ नहीं, आपने वीडियो नहीं देखा तो अब आप देख लीजिए, बाद में मिलते हैं, बाय। बस कर तू पेशेंस टेस्ट कर रहा है, मैं गिफ्ट कर दूंगा तेरे को, अडॉप्ट करा देंगे तेरे को, आज बहुत जगह अडॉप्ट हो जाएगा तू फटाफट।